हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन स्टार विद कलाकार। मैं हूं अनुप्रिया, आप सबकी फ्रेंड। और हाल ही में मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था और कुछ टाइम पहले ही मैंने 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं मेरे चैनल ने। तो आज मैं ये खुशी आप सबके साथ शेयर करूंगी एक मीठे के साथ। और इस वीडियो की बहुत ही खास बात यह है कि ये वीडियो मैं तेलुगु और हिंदी मिक्स शूट करने वाली हूँ, क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए मेरी एक आंटी बनाने वाली है, क्योंकि जो हम आज स्वीट डिश बनाने वाले हैं वो है मैसूर पाक, जो साउथ की स्पेशल स्वीट डिश है। तो मैं अभी आंध्रा में रहती हूँ, हैदराबाद में। तो मैं जहाँ पे रहती हूँ वो आंटी मेरे लिए आज ये वीडियो शूट करेंगी और बिल्कुल ही स्टेप बाई स्टेप आपको बताएंगी कि मैसूर पाक कैसे बनाते हैं घर में। बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो उसे जब आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना ना भूलें। तो आइए हम मिलते हैं अपनी आंटी से, वेलकम करते हैं उनका इस वीडियो में और उनके साथ सीखते हैं कि मैसूर पाक हम कैसे बनाते हैं। नमस्कार, हम एक खुला थिक बर्तन लेंगे, उसमें हम अपना 4 कप शुगर ऐड करेंगे और उसमें 1/2 कप वाटर ऐड करके उसे मिक्स कर लेंगे और फिर स्टोव ऑन करके इसे एक चाशनी के तरीके से रेडी। तवे लींचाले 4 कप्पुल चक्कर, 1/2 कप वाटर वेयालि। अब इसी के साथ हम एक साइड गैस ऑन करेंगे, उस पर एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें हम अपने 2 कप घी और 2 कप ऑयल को जो है लगातार गर्म होने के लिए रख देंगे। वो हम गर्म करते करते ही सारा यूज़ करेंगे। పక్కన స్టవ్ మీద 2 కప్పుల ఆయిలు, 2 కప్పులు నెయ్యి పెట్టి బాగా మరిగించి వేడైన తర్వాత ఇక్కడ పిండి వేసి కలిపే దాంట్లో వేసేసుకుంటాండి అలా కొంచెం కొంచెం మైసూర్ పాక్ తయారయ్యే వరకు। हमने चीनी को इतना घुलाना है कि हमारी 1 तार की चाशनी तैयार हो जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। शुगर लेते पाकम अच्छेंत वरकु करिगियालंडी शुगर। इसी तरीके से चलाते हुए हम अपनी चाशनी तैयार करेंगे और जब इसमें 1 तार की चाशनी बन जाएगी तब हम इसमें एक एक करके अपने बेसन को मिक्स करेंगे और चलाते जाएंगे ताकि उसमें लम्स ना पड़े। तो अब हमारी ऑलमोस्ट चाशनी तैयार हो गई है, तो अब हम बेसन डालना स्टार्ट करेंगे। पाकम तैयार दांट्लो शनगपिंडी वेसी उंटल कट्टकुंडा कलुपुता उंडालंडी। तर्वात कोंचेम कोंचेम नेय्यि नूनेदि कलिपिनेदि वेसुकुंटा उंडाली मैसूर पाक तयारयेंत वरकु। पूरा बेसन मिक्स करने के बाद सिरप में, उसके बाद जो है हम एक तरफ जहाँ पे पैन में हमने लगातार घी और ऑयल को गर्म किया हुआ है उसको हम एक एक स्पून डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे अच्छे से। आपको लगातार मिक्स करना है कि वो नीचे से पकड़े ना, कॉर्नर में कहीं भी जले ना, इसलिए आपको लगातार इसे चलाते रहना है। और ऑयल भी आपको ऐसे एक एक करके आपको डालना है, एक एक स्पून एक साथ आपको वो भी नहीं डालना है। तो आपको लगातार चलाते रहना है और लगातार ऑयल ऐड करते रहना है। ऑयल का भी गैस आपने ऑफ नहीं करना है, वो ऑन ही रखना है जब तक आपका मैसूर पाक बन के तैयार नहीं हो जाता और ऑयल आपका ख़त्म नहीं हो जाता। పక్కన స్టవ్ బంద్ చేయకుండా ఆయిల్ మైసూర్ పాక్ తయారయ్యే వరకు వేస్తూనే ఉండాలండి, పక్కన స్టవ్ బంద్ చేయకూడదు, ఆయిల్ వేడిగా ఉండాలి, మైసూర్ పాకు కలుపుతూనే ఉండాలి తయారయ్యే వరకు గరిటె తడుగంటకుండా। ఫస్ట్ నుండి లాస్ట్ వరకు స్టవ్ సిమ్లో పెట్టి శనగపిండి మైసూర్ పాక్ కలుపుతూ ఉండాలండి, లేకుంటే మళ్ళీ అడుగంటుతుంది। పూరా మైసూర్ పాక్ హమ్ స్టార్ట్ సే ఎండ్ తక్ లో ఫ్లేమ్ పే సిమ్ ఫ్లేమ్ పే రఖ్ కే హమ్ చలాతే హువే హీ బనాయేంగే, ఉస్కా హమే ఫ్లేమ్ థోడా భీ బఢానా నహీ హై, సిమ్ పే హీ పూరా రెడీ కర్నా హై హమ్। ये देखिए आंटी ने आपके लिए कितनी मेहनत की हुई है, आपको बिल्कुल ही ट्रेडिशनल वे में मैसूर पाक सिखा रही हैं, तो आप सारे स्टेप्स को बहुत अच्छे से फॉलो करिएगा। देखिए अब धीरे धीरे ये बनने वाला है, तो ये इस तरीके से गाढ़े पेस्ट की तरह तैयार हो जाएगा और आपको इसको
शुरू से अंत तक लगातार चलाना है, नहीं तो अगर ये पकड़ लेगा तो आपका पूरा मैसूर पाक खराब हो जाएगा। तो कंटिन्यूसली आपको इसको चलाते रहना है। तो ऑलमोस्ट हमारा ये पूरा अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो सबसे लास्ट में हम 1/4 स्पून जो है सोडा ऐड करेंगे ताकि इसका कलर थोड़ा और अच्छा आ जाए और हमारा ये एकदम ही सॉफ्ट रेडी हो जाए। इपड़ मैसूर पाक तैयार कदा कुछ पाव स्पून तिने सोडा वेसी कलते कलर मंचिगा वस्तदी मैसूर पाक बागुल्लगा तैयार अवुतुंदी। इपड़ मैसूर पाक तैयार अयिपोयिंदंडी पूर्तिगा। मैसूर पाक बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसको एक प्लेट में पलटेंगे। तो आइए अब हम उसकी तैयारी करते हैं। ఇప్పుడు మైసూర్ పాక్ తయారైంది. ప్లేట్ తీసుకొని ఆయిల్ పూసి అది తీసి ఆ ప్లేట్లోకి వేసేయాలండి. తో ఇస్ తరీకే సే ఖులే ప్లేట్ మే ఖులే బర్తన్ మే హమ్ ఘీ లగా లెంగే ఆర్ లగానే కే బాద్ మైసూర్ పాక్ కో ఉస్మే పలట్ లెంగే ఆర్ సెట్ కర్ దేంగే. తో ఇస్ తరీకే సే ఇస్కో పూరా అచ్చే సే ప్లేట్ మే సెట్ కర్ లేనా హే ఆర్ 10 మినిట్ తక్ ఠండా హోనే కే లియే ఛోడ్ దేనా హే. ఉస్కే బాద్ హమ్ ఇస్కో పీసెస్ మే కట్ కర్ లెంగే और वैसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। प्लेट लो येसिन मैसूर पाक नु मुक्कलगा कट चेसि 10 निमिषाल तर्वात तीसेसुकोवालंडि। तो अब ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो देखिए इसके पीसेस देखिए कितने बढ़िया से ये निकल रहे हैं और एकदम परफेक्ट बने हमारे मैसूर पाक। आप ये देख सकते हैं कि कितने बढ़िया ये एकदम सेट हो गए हैं। तो आप 10 से 20 दिन तक हम इसे आराम से खा सकते हैं। పాక్ చల్లగైన తర్వాత ముక్కలు తీసి డబ్బాలో ఉంచుకుంటే 10 రోజులు 20 రోజులైనా నిల్వ ఉంటాయండి. తో అగర్ ఆప్కో మేరీ ఆంటీ కీ రెసిపీ మైసూర్ పాక్ కీ అచ్చీ లగీ హో తో ఫటాఫట్ లైక్ కరే, షేర్ కరే ఆర్ సబ్స్క్రైబ్ కరే మేరే ఛానల్ కో ఆర్ మేరే రెసిపీ